हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किसी भी पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक शेडिंग कैसे करेंगे या उस फेस को रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं एक पोर्ट्रेट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इस पोर्ट्रेट में मैं इस पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक ड्रॉ करूँगा और वो भी ब्लेंडिंग कैसे करूँगा और स्टेप बाई स्टेप वो भी मैं फुल ट्यूटोरियल के साथ इसको बनाया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसको ड्रॉ करना है और काफ़ी अच्छे से इसको ड्रॉ करूँगा और काफ़ी जैसा है वैसा मैं ड्रॉ करने की पूरा कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं HB पेंसिल ले लिया हूँ और इस HB पेंसिल से इस पोर्ट्रेट को मैं अच्छे से शेडिंग करूँगा और शेडिंग करने के लिए मैं इस पेंसिल को सबसे पहले तो मैं अच्छे से शार्प कर लिया हूँ और फेस में जहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क है वहाँ मैं HB पेंसिल को 2-3 बार चला के उसको डार्क कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं कैसे पेंसिल को चला रहा हूं और मैं इस पेंसिल को हल्के हाथों से चला रहा हूं, ज़्यादा कोई प्रेशर भी इस पेंसिल पे मैं नहीं दे रहा हूं। और सबसे पहले शेडिंग करने के लिए तो हमें पेंसिल को शार्प रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि शार्प जब तक अच्छे से नहीं होता है तब तक हमारा जो शेडिंग है फेस का वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या है कि पेंसिल को आप जब भी शेडिंग करें तो फेस को शेडिंग करें तब उसमें पेंसिल को आप काफ़ी ज़्यादा उसे शार्प रखें। जितना अच्छा शार्प रखेंगे उतना ही फेस का शेडिंग काफ़ी अच्छा से हो पाएगा और काफ़ी उसमें एक्यूरेसी अच्छा आएगा और दिखने में भी वो रियलिस्टिक लगेगा। क्योंकि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए हमें लेयर बाई लेयर पेंसिल को चलाना पड़ता है। और मैं फेस शेडिंग का रियल टाइम वीडियो अपलोड किया हूं, क्योंकि ये वीडियो को मैं पूरा फुल ड्राइंग किया हूं लेकिन जो फेस का है मैं उसका रियल टाइम वीडियो अपलोड किया हूं। वह इसमें आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया हूं, इसमें कहीं पे कोई स्पीड नहीं बढ़ाया हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी एक्यूरेसी लाना है और काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करना है। यदि आप भी अगर कोई पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हैं तो काफ़ी उसे अच्छे से ड्रॉ करें, काफ़ी उसमें थोड़ा टाइम दें, क्योंकि मेन फेस ही होता है, क्योंकि उसको किसी भी पोर्ट्रेट को पहचानने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो यदि आप भी कभी ड्रॉ कर रहे हैं या रियलिस्टिक बना रहे हैं तो काफ़ी उसे अच्छे से ड्रॉ करें और पेंसिल को हमें ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बल्कि हल्की हल्की प्रेशर के साथ हल्का हल्का पेंसिल को चलाना पड़ता है, तब जाके वो दिखने में अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा वो रियलिस्टिक बनता है। तो हमें किसी भी पेंसिल को यानी हमें पहले प्रेशर के साथ उसे नहीं करना है, उसे हल्का हल्का हल्की हाथों से उसे ड्रॉ करना है, यानी रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें हल्के हल्के हाथों से उसे ड्रॉ करना पड़ता है। Thank you.
हूँ।